जनादेश की बात होती है, चार राज्यों में जनादेश आया है, तेलंगाना में अलग जनादेश है, तीन राज्यों में अलग है, बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन मैं हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हमें कहते कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए, एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए। हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं रहेगा। दूसरी बात है, अभी आप जीत गए हो, अब तो मैजिक चल गया है विधानसभा चार राज्यों के, तो मुंबई महानगर पालिका और मुंबई के साथ 14 महानगर पालिका, हाँ, चुनाव लेने की हिम्मत करिए ना, चाहे ईवीएम पर लीजिए, हम तैयार हैं। तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं, 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। और आज विंटर सेशन का पहला दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको सदन में चर्चा, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए, अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पर चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो जीरो आर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा, डेमोक्रेसी की जीत हो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।